दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात एमपी गजब है और गजब है एमपी की सियासत के बारे में। गुजरात चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद आगामी 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी गुजरात फॉर्मूला को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर सिंधिया कैंप में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर गुजरात फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया जाता है तो बीजेपी के मौजूदा 122 में से 48 विधायकों के टिकट कटने तय हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन ने भी साफ कर दिया है कि गुजरात की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जाएगा। बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देते हुए 15 साल बाद वापसी की थी, लेकिन 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। यही वजह है कि 2023 में बीजेपी के लिए चुनाव की चुनौती बड़ी है। लिहाजा नेतृत्व और प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। इसी बीच गुजरात में 40% पुराने चेहरों के टिकट काटकर बंपर जीत से बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने सभी चुनावी राज्यों को मैसेज दे दिया है कि इस सुपर हिट फॉर्मूले को लेकर मैदान में उतरेंगे। कहा तो यहां तक तो जा रहा है कि संगठन की बैठकों में नेतृत्व ने मौजूदा मंत्री और विधायकों को फरमान भी सुना दिया है। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में अगर गुजरात की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी 40% टिकट बदल सकती है। ऐसे में मौजूदा 148 विधायक और मंत्रियों में से 48 की उम्मीदवारी पर गाज गिरनी तय है। वहीं 111 सीट पर हारे हुए चेहरे भी बदले जा सकते हैं। गुजरात फॉर्मूले को पार्टी अगर अमल में लाती है तो सिंधिया समर्थक मौजूदा मंत्री विधायक और उपचुनाव में हारे लोगों के टिकट पर सबसे ज्यादा गाज गिरेगी। इनमें डबरा से इमरती देवी, ग्वालियर से मुन्ना लाल गोयल, करेरा से जसवंत जाटव, मुरैना से एदल सिंह कसाना, रघुराज कसाना, गिरिराज डंडौतिया, भिंड गोहद से रणवीर जाटव प्रमुख हैं। हालांकि सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व जो फैसला करेगा उसके लिए वो तैयार है, लेकिन चुनाव के दौरान टिकटों के लिए जब बीजेपी में मारामारी मचेगी उसको लेकर कांग्रेस की पैनी नजर है। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी कमान निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में रहेगी, और ये भी तय है कि 2018 में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब एमपी में भी गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव में उतरेगी। इसके लिए एमपी बीजेपी सभी विधायकों, मंत्रियों और टिकट के दावेदारों को संगठन का पाठ भी पढ़ा रही है, लेकिन एन वक्त पर नाराज नेता क्या गुल खिलाएंगे बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। यहाँ उमा भारती का ताजा बयान और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एमपी में जीत को लेकर आश्वस्त होना बीजेपी की परेशानी का सबब तो बन ही गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जनसरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।